इस क्वेश्चन में अपने पास दिया हुआ है कंसिडर अ वेरी रफ मॉडल ऑफ अ ए एटम द न्यूक्लियस हैज फोर प्रोटॉन्स एंड फोर एट टू अ स्मॉल वॉल्यूम ऑफ रेडियस रेज टू माइनस फिफ्टीन मीटर द टू वन इलेक्ट्रॉन्स अ मीटर चार्ज क्लाउड एट एन एवरेज डिस्टेंस ऑफ थ्री इन रेज टू पावर माइनस इलेवन मीटर फ्रॉम द न्यूक्लियस वेयर एज दी टू एस इलेक्ट्रॉन्स मेक्स अनदर स्पेरिटल क्लाउड एट ए एवरेज डिस्टेंस ऑफ फाइव पॉइंट टू इंटू टेन रेज टू माइनस इलेवन मीटर फ्रॉम द न्यूक्स फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट जस्ट इन साइड क्लाउड और बी पूछ रहे हैं पॉइंट जस्ट इन साइड टू एस क्लाउड सही है सो सबसे पहले तो ये अपने पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें हमें बेरीम एटम की बात कर रहे हैं और बेली बेरीम के लिए तुम जानते हो कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ्रेशन होती है अपने पास वन एस टू टू एस टू मतलब वन एस में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं और टू एस टू में भी दो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ तक बात समझ में आ गई? अरे मैं तुमसे ये पूछूँ अच्छा ये बेरीम का मान लो न्यूक्लियस है सही है जहाँ पे अपने पास इतने हैं फोर प्रोटॉन्स हैं और फोर न्यूट्रॉन्स हैं सही है न्यूट्रॉन तो तुम्हें पता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं यहाँ तक बात समझ में आ रही न्यूट्रॉन से इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैं तो चार्ज किसकी वजह से हो रहा है सिर्फ़ और सिर्फ प्रोटॉन की वजह से क्यों इज़ ओनली ड्यू टू प्रोटॉन्स यहाँ तक बात समझ में आ रही तो प्रोटॉन्स इतने अपने पास प्रोटॉन्स अपने पास फ़ोर और अपने पास न्यूट्रॉन्स भी है फ़ोर रेडियस ऑफ uh, दे रखे अपने पास न्यूक्लियस के लिए टेन रे इस टू पा माइनस फिफ्टीन मीटर रेडियस दिया हुआ है वन एस के लिए कितना दिया हुआ है वन पॉइंट थ्री इंटू टेन रे टू पा माइनस इलेवन मीटर और रेडियस दिया हुआ है टू एस के लिए कितना दिया हुआ है फाइव पॉइंट टू इंटू टेन रेज टू पा माइनस इलेवन मीटर यहाँ तक बात समझ में आ रही और हमें पता है चार्ज ऑन वन प्रोटोन कितना होता है चार्ज ऑन वन प्रोटोन ये होता है वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन रेज टू पावर माइनस नाइनटीन टूलम यहाँ से बात सही है अब फर्स्ट पार्ट में हमसे क्या पूछ है? हम रहे हैं हमसे पूछ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है वन एस क्लाउड पे सो तुम जानते हो जो तुम्हारा ईडिन टू ड्रॉस लो क्या होता है यहाँ पे ये होता है अपने पास जो इंटीरियर होता है ई इंटू डी इसी जो वैल्यू होती है वो होता है क्यूँ बाई एप्साला नॉट यहाँ पे क्या होता है क्यूँ एनक्लोज सही है ई एरिया जितना अपने पास फोर पाई आर स्टेयर क्यू एनक्लोज न्यूक्लियस में अच्छा ये जो वन एस क्लाउड है यहाँ पे वहाँ पे इन साइड हमें बताना है यहाँ पे चार्ज सिर्फ और सिर्फ प्रोटोन की वजह से है सो फोर पी सही है क्योंकि फोर प्रोटोन है यहाँ पे और एप्साला ई इत जितना दिया है यहाँ से ई की वैल्यू है वन बाई फोर पाई एफ साल एन नोट फोर वन वा, वन क्यों पी जितना है अपने पास ये होता है वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन रेस टू पावर माइनस नाइनटीन और ये आर स्टेयर आर जितना दे रखे अपने पास आर दिया हुआ है वन पॉइंट थ्री इंटू टेन रेस टू पावर माइनस इलेवन और इससे होल्ड शेयर चलना है ये आर ये क्यों यूज किया क्योंकि ये वन एसले दिया हुआ था तुम जानते हो वन बाई फोर पाई अब होता है तुम्हारे पास ठीक बराबर होता है ये ये होता है के ये पूरी वैल्यू और इसकी वैल्यू होती है अपने पास नाइन इंटू टेन रेज टू पावर नाइन ये है तुम्हारे पास फोर इंटू वन पॉइंट सिक्स बाकी सारी वैल्यू सेम रहने वाली है जब तुम इस पूरी वैल्यू को तो सॉल्व कर देते हो तो तुम्हारे पास जो ई आएगा वो जितना है वो है थ्री पॉइंट फोर इंटू टेन रेइ टू पावर थर्टीन न्यूटन टूलम इनवर्स इसी तरीके से तुम्हारे पास ये फर्स्ट पार्ट तो सॉल्व हो जाता है अब बी पार्ट करते हैं सॉल्व हम इसका अरे मैं तुमसे बी पार्ट में पूछूँ तो बी पार्ट में तुम मुझे बता सकते हो तो चार्ज कितना है चार्ज जो तुम्हारे पास हो रहा वो बराबर है तुम्हारे पास फोर प्रोटोन ये तो तुम्हारे पास फोर प्रोटोन के बराबर है इसमें से तुम इलेक्ट्रॉन जितने टू एस में हैं उसे सब्ट्रैक्ट भी करना है टू इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे सही है पॉइंट जो सो अपने पास चार्ज इतना आ जा रहा सो so, चार्ज की जो वैल्यू है तुम्हारे पास अब तुम जानते हो पी भी ई होता है तो टू ई के बराबर है चार्ज ये है टू इंटू वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन रेज टू पावर माइनस नाइनटीन टू सही है इसी तरीके से ई इंटू फोर पाई आर स्टेयर ये बराबर है तुम्हारे पास क्यू बाई एफ साल नोट एन ई इज डिवेन बाई वन बाई फोर पाई एफ साल नोट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है क्यों एंड और ये हो जाए रहा आर स्टेर. ये जितना हो रहा है ये हो जाए तुम्हारे पास t क्यों जितना आया है टू इंटू वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन रे इस माइनस नाइनटीन यहाँ पे आर जैसा यूज रहेंगे टू एस लिए, सो so वो है अपने पास पॉइंट टू इंटू टेन रे टू पावर माइनस इलेवन होल्ड स्टेयर के टी तुम जानते हो के जितना होता है नाइन इंटू टेन रे टू पावर नाइन सही है जब तुम इस वैल्यू को सॉल्व करते हो तो तुम्हारे पास जो ई e आएगा वो जितना आ रहा है वो है वन पॉइंट वन इंटू टेन रेज टू पावर ट्वेल्व न्यूटन कूलम इनवर्स सो दोनों ही पार्ट में तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बता दी है और यही अपने पास फाइनल आंसर भी है इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं